हेलो एवरीवन। तो मैंने 13 मार्च 2023 को एक डॉग शाहपुर जी से मैंने पिक किया था, वहाँ के एक एनिमल लवर ग्रुप है उन लोगों के कहने पर। तो ये है वो सुखो ब्रिस्टिया जो भी है वो जगह, और ये है वो डॉगी। डॉगी को पेनिस में कैंसर था और एक बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ था, इसका पैर में लगा हुआ था। तो डॉग की हालत बहुत ही बुरी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको मुंह पे रस्सी बांध के ताकि उसको ले मैं उठा रही हूँ अभी, आप लोग देख पा रहे हो। वहाँ के एनिमल लवर ग्रुप के एक आदमी भी मुझे हेल्प कर रहा है। डॉग ये काफ़ी बड़ा डॉग है, एडल्ट डॉग है और ये एजेड भी है, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स इसकी एज है। तो ये देखिए गाड़ी में इसको अभी चढ़ा दिए हैं। अभी मैं इन लोगों ने मुझे बोला है कि तुम इसको लेके सॉल्ट लेक हॉस्पिटल में दिखाओ, वेटरनरी हॉस्पिटल में। वहाँ पे दिखाने के बाद इसको अभी शायद केमो देना होगा, क्योंकि इसको ट्यूमर कैंसर है पेनिस में। तो वो उसके लिए तुम अपने घर में रख के इसको केमो दो, और उसके शेल्टर मेरे जो घर में रखने का चार्जेस वो लोग अलग देंगे, और ऊपर से केमो का पैसा मेडिसिन का पैसा वो लोग अलग देंगे। तो ये मैं लेके उसको आ गई सॉल्ट लेक हॉस्पिटल में, और आने के बाद वहाँ पे बहुत गर्मी थी तो मैंने उसको थोड़ा वहाँ पे पानी वानी दिया। हॉस्पिटल में आप लोग जानते हो बहुत भीड़ होता है, वहाँ काफ़ी देर रुकना भी पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी पहले पैर का अभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि पैर अभी मतलब उतना बुरी हालत नहीं है, ठीक है। तो पहले बोला गया कि उसको केमो देने के लिए अभी बोला गया है, तो इसीलिए मैं इसको उन लोग ने एनिमल लवर ग्रुप से बोला, मुझे बोला गया कि आप इसको घर पे लेके जाओ। तो ये मैं इसको मेरे घर पे अभी लेके आई हूँ। इसको लाते ही मैंने इसको जो दवाई डॉक्टर ने दिया वो 2000 की दवाई है, तो दवाई मैंने ख़रीद के इसको खिला रही हूँ अभी। तो बोल देती हूँ कि ये आज का जो गाड़ी का चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये मेडिसिन का कॉस्ट, ये सब वो लोग ने मुझे दे दिया। तो इसीलिए मैं ये सब ख़रीद के मैं लेके आई उसको। मैं थोड़ा सा खाना भी दिया, और मेरा 3 तल्ला का जो ऊपर का जो मेरा डॉग का रूम बनाया है रेस्क्यू डॉग का, वहाँ पे मैंने इसको रखा है विदाउट चेन एंड एनीथिंग, मतलब चेन मैं नहीं लगाती हूँ, घर के अंदर ही वो अभी रहेगा। ये है उसका रूम, और यहाँ पे फैन लाइट सब है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए मैं अभी खाना लेके आई हूँ। अभी 2-3 दिन तक इसको मैं स्टेबल करूँगी, कुछ मेडिसिन जो केमो से पहले की देने की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन, कुछ ब्लड के मेडिसिन, तो वो सारे मैं अभी दूँगी इसको, जैसा वेट ने सजेस्ट किया। उसके बाद मैंने शुफोल्दा को कॉल किया है, तो शुफोल्दा आएंगे उसको केमो देने के। ये उसका पहला केमो दिया जा रहा है, ये देखिए शुफलदा के इसको केमो दिया दे रहे हैं। ये फर्स्ट केमो इसका दिया गया, उसके बाद फिर 15 से 20 दिन के बाद उसका नेक्स्ट केमो होगा, और फिर अगर देखा जाएगा ज़रूरत है तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट केमो हो गया, उसके बाद देखिए अभी उसके साथ मैं अगले दिन उसके साथ मैं कैसे मैं हैंडल कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है एक्चुअली, पता नहीं लोग क्यों ऐसे बच्चे को घर पे नहीं रखते हैं, बहुत ही शांत बच्चा है, प्यारा बच्चा है। तो इसको मैं प्यार दुलार मेरा जितना हो सके मैं दे रही हूँ। उसके बाद इसको सेकेंड केमो 20 दिन के बाद उसको दिया गया, बीच में जो जो मेडिकेशन दिया गया था वो भी मैं घर पर मैं देती थी। तो ये सेकेंड केमो उसका दिया गया है। उस दिन शुफलदा थोड़ा शाम को आए थे, तो ये शाम को दिया गया था, सुबह नहीं, रात का एक वीडियो है तो दिया गया था। ये देखिए, और मैं बता देती हूँ ये सारे जो शुफलदा का जो पैसा है, मेडिसिन का जो पैसा है, ये
शाहपुर जी से उस वक्त तक मुझे दिया जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो खाना पीना सब नॉर्मल था। तो उसके बाद मैंने उन लोग को बोला कि क्योंकि ये टीबीटी है जो कि ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, ये मेटिंग करने से फैलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको कि न्यूटर करके फिर रास्ते में छोड़े, न्यूटर और वैक्सीन करके। मैं हमेशा यही करती हूँ। उन लोगों को भी मैंने यही बोला कि लालू, इसका नाम मैंने लालू रखा है, तो इसको न्यूटर करके फिर मैं उन लोगों को इसको मैं रिलीज़ करूँगी रास्ते में। तो अभी केमो देने के संग संग ही हम लोग न्यूटर नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होता है। तो बीच में मैंने इसको रखा और उसको नहलाया और ये उसको फ्रेश किया, साफ़ सुथरा करके। मैं उसको, वो नॉर्मली वो छत पे रहना ही ज़्यादा पसंद करता था, तो मैं भी उसको छत पे ही ज़्यादा देर ज़्यादा टाइम तक रखती थी। उसके बाद उसको मैंने बोला कि 1 महीना वो ऐसे ही रहेगा मेरे घर पे, उसके बाद उसको न्यूटर करेंगे, फिर उसको वैक्सीन करके छोड़ देंगे। न्यूटर करने के दिन हम लोग जब उसका टेस्टिस के हेयर साफ़ कर रहे थे, तब पता चला कि उसको क्रिप्टो ऑर्किडिज़म है, मतलब उसका टेस्टिस है पर वो शरीर के अंदर है, और जो कि यूएससी करके न्यूटर करना पड़ेगा। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम पे। और ये वाला जो यूएससी वाला ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मतलब महंगा भी है और काफ़ी क्रिटिकल भी है, क्योंकि वो किडनी के पास में रहता है, टेस्टिस शरीर के अंदर है टेस्टिस, लेकिन वो शरीर के अंदर है। इस सिचुएशन को हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज़म बोलते हैं। तो इसको लेके एक वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। ये बहुत ही रेयर केसेस है, 1000 में 1 को ऐसा होता है, तो इस डॉग को ऐसा था। तो ये देख के हम लोग समझ गए थे कि उस दिन इसका न्यूटर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करें, तो हम लोग उस दिन उसको DHPPIL का जो वैक्सीन है वो वाला मैंने दे दिया, क्योंकि उसका डिवर्मिंग ऑलरेडी मैंने किया था, तो DHPP का वैक्सीन दे दिया। और उसके बाद से ही प्रॉब्लम उसका स्टार्ट हुआ कि उसका पैर में जो एक्सीडेंट हुआ था वो उतना उसके पहले मतलब इस दिन से पहले उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से उस दिन जब OT नहीं हुआ तो उसके बाद से उसका पैर जो है वो उसकी हालत फिर से बिगड़ गई अचानक से। पता नहीं ये कैसे हुआ लेकिन हुआ, तो उसके पैर बिगड़ गई और फिर वो ठीक से पैर रख नहीं पा रहा था। तो पहले पहले मैंने सोचा कि उसके पैर में कुछ सूजन हुई होगी, जैसे कि पोडोडर्मेटाइटिस टाइप का, तो इसीलिए मैं वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाया, पैर को थोड़ा सा गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से उसको मैंने क्लीन किया। फिर एक पॉ सॉफ्ट नाम का एक मलहम आता है डॉग के पॉ को में लगाने के लिए, तो वो भी मैंने खरीद के इसको लगाया, तो लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं, इसको शायद क्योंकि ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, मे बी हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है जो कि पॉ में नहीं है एक्चुअली, तो मुझे इसको डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने एनिमल लवर ग्रुप से बात किया और वो लोग ने बोला कि ठीक है, इसका OT तो हम लोग नहीं करवा सकते, न्यूटर जो करने का वो तो हम लोग नहीं करवा सकते क्योंकि वो काफ़ी महंगा है, और तो तुम एक काम करो उसका पैर के लिए डॉक्टर को दिखाओ। तो दोबारा मैं उसको लेके फिर हॉस्पिटल में गई उसके पैर को दिखाने के लिए। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको अभी एक्सरे करना पड़ेगा, एक्सरे देख के ही हम लोग बता सकते हैं। फिर मैं उसको एक्सरे भी करवाया, तो एक्सरे प्लेट लेके फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने फिर उसको 1 महीने का दवाई दिया उसके पैर की हालत ठीक करने के लिए। उसका हड्डी जो है वो जो पीछे का एक बॉल होता है, बॉल से उसके हड्डी निकला हुआ था, बॉल से जो उसका पैर का जो हड्डी है वो निकला हुआ था। तो उसके बाद हमें बड़ा बाज़ार से मैंने इसके लिए मेडिसिन ख़रीदा, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। उस दिन मैं बड़ा बाज़ार गई थी इसलिए क्योंकि मेरा जो घर पे और एक डॉगी है हैप्पी, उसका भी मेडिसिन मुझे ख़रीदना था, तो मैं दोनों का मेडिसिन एक साथ मैंने बड़ा बाज़ार से ख़रीदा है। और उस दिन वो जो डॉग है लालू वो भी मेरे साथ मेरी गाड़ी में, तो इसीलिए क्या हुआ, और बड़ा बाज़ार में आप लोग जानते हो पार्किंग का बहुत इशू है, तो मैंने ड्राइवर को बोला दो बार घुमा लो उसके अंदर, मैं जल्द जल्द मैं दवाई ख़रीद लेती हूँ। ये है बड़ा बाज़ार के जो महामाया है वहाँ का मेडिसिन का बिल। इसमें ये इम्यूनल सिरप जो है ये दो लिया था, एक लालू के लिए और एक हैप्पी के लिए। और ये बेफर्स HD टैबलेट आप लोग देख पा रहे हो 1275 रुपीज़ का दाम है, ये पूरा लालू के लिए। और ये वाला जो बिल है ये ह्यूमन मेडिसिन के दुकान से लिया था बड़ा बाज़ार का, 4325 का। इसमें लालू और हैप्पी का मेडिसिन एक साथ में मैंने लिया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में उस दिन मैंने लिया था,
तो इसमें से ये देखिए, ये डेकाड्यूराबोलिन मैंने लिया है, डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन जो कि लालू के लिए है, और ये चार इंजेक्शन का दाम है 1914 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का दाम है। और फिर आता है ये न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन, इसका दाम है बड़ा बाज़ार के वो दुकान का दाम था एके मेडिको, और ये देखिए बड़ा बाज़ार मेहता बिल्डिंग का ये दुकान है, वहाँ से लिया था उस दिन। ये मेहता बिल्डिंग का दुकान है, तो सेकेंड मेडिसिन है ये न्यूरोकाइन गोल्ड वाला ये इंजेक्शन, ये भी हफ्ते में एक देना है, तो ये मैंने 4 पीस लिया है, और इसका भी आप लोग दाम देख सकते हो। और ये एराकिटॉल भी लिया है, 136 इंजेक्शन का दाम है, मैंने 3 लिया था, तो इसे से और एक नहीं मिला था, एक कम मिला। तो ये एराकिटॉल का पूरा सेट 4 वाला नहीं मिला, और ये न्यूरोकाइन जी एक टैबलेट का ये भी हर रोज़ एक करके देने के लिए बोला था डॉक्टर ने, और ये मैंने 20 लिया है, 2 पत्ता लिया है। और ये टोनोफॉस्पिन और कैटासॉल, ये 2 इंजेक्शन मेरे घर में ही था, ठीक है, तो ये ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से ये सारे मेडिसिन मैं ख़रीद के लाई हूँ लालू के लिए। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि सारे मेडिसिन को, क्योंकि मैं 2 कुत्ते का मेडिसिन एक साथ लाई थी, तो उन लोगों को बिल देना था, तो बिल में अलग से मैं लालू के लिए मैं नहीं दे पा रही थी, तो इसीलिए मैंने उन लोगों को समझा दिया था कि ये है मेरा एक वेटरनरी दुकान का बिल है और ये एक ह्यूमन दुकान का बिल है। तो ये बेपर्स एचडी और जो डेकाड्यूराबोलिन है, ये दोनों इंजेक्शन काफ़ी महंगा है, ये 1275 का बेपर्स एचडी है और 1914 रुपीज़ का डेकाड्यूराबोलिन है, और सारी मेडिसिन का उतना ज़्यादा दाम नहीं है, लेकिन फिर भी 200-300 करके ऐसे दाम है। तो क्योंकि एक साथ में दोनों डॉगी का लिया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के उन लोगों को भेजा था, ताकि लालू के जो सारे मेडिसिन्स हैं उनके वो कौन कौन सा है और उनके कितने दाम हैं, उसके लिए यही वीडियो बने बनाया था। और ये भी बताया था कि ये 2 मेडिसिन आप लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास था। तो ये सारे मेडिसिन में सबसे महंगा था ये डेकाड्यूराबोलिन, इसका 1914 रुपीज़ का डेकाड्यूराबोलिन था, और एचडी टैबलेट जो था वो 1275 रुपीज़ का एचडी टैबलेट था। तो ये 2 मेडिसिन सबसे ज़्यादा कीमती दाम था, और बाकी सब का नॉर्मल दाम था। तो और कैसे कैसे देना पड़ेगा, डेकाड्यूराबोलिन आपको वेडनेसडे देना है, टोनोफॉस्पिन कैटासॉल फ्राइडे देना है, मंडे को एराकिटॉल और न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन देना है, ठीक है, ये ऑल्टरनेट लेग्स में देना है, हर हफ्ते लेग फिर से ऑल्टरनेटिवली होने हो जाएगा। और इम्यूनो सिरप और बेफर्स एचडी और न्यूरोकाइंड जी जो टैबलेट है वो हर रोज़ देना पड़ेगा। ये मैंने 20 दिन का मैंने टैबलेट लिया था, और 10 दिन का फिर अलग से मैंने लिया था। तो इस तरह से सारे मैंने मेडिसिन खरीदे, और उसके बाद मैंने ये वीडियो बना के उन लोगों को भेजा, ताकि मैं उन लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं कि कितना खर्चा हुआ है। और फिर मैं सिर्फ लालू का जितना कैलकुलेट किया था वो 3500 के आसपास मेडिसिन खड़ा होता है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो उन लोग को भेजा तो वो लोग कुछ नहीं बोला, बोला कि दे देंगे पैसे। फिर मैंने शेल्टर चार्जेस के भी पैसे पूछे थे, तो वो भी वो लोग बोला कि तुम इतना पैसा पैसा क्यों करती हो, हम लोग पैसा तो तुमको दे रहे हैं, दे देंगे, ऐसे करके चुप उस दिन। फिर बात ज़्यादा बात नहीं हुई, मैं भी सोचा ठीक है जाने दो, मैं इसको इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो मैं वीकली जो जैसे जैसे उसका मेडिसिन होता था, ये देखिए मैं इंजेक्शन उसको देना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि हमारे घर में लोग बहुत कम है, तो मासी उसको जो सर के बल है वो तो वो पकड़ती थी, और मैं पीछे से इंजेक्शन देती थी, तो वीडियो करने वाला ज़्यादा कोई होता नहीं था, तो इसीलिए ये वाला वीडियो उतना अच्छा नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ज़रूरी ये था, वीडियो करने से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको पकड़ के रखना ज़रूरी था, ताकि मैं ठीक से इंजेक्शन दे सकूँ। वैसे तो ये डॉग बहुत शांति है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन के टाइम में थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना उन लोगों का होता ही है, तो वही इसीलिए मासी को तो उसको पकड़ने में लगा के रखी थी। तो इस तरह से मैं उसको हर हफ्ते इंजेक्शन, जैसे कि 3 डेज, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं देती थी, और ये आप लोग देख सकते हो, ये एक बार इस पैर में एक बार उस पैर में, मतलब लेफ्ट में
एक इंजेक्शन राइट लेग में और एक इंजेक्शन, और इसको फिर अल्टरनेट करके अगले हफ्ते फिर अल्टरनेट करके देना पड़ता था। मतलब इस लेग में अगर एराचिटॉल दिया लेफ्ट लेग में तो अगले हफ्ते राइट लेग में एराचिटॉल देना पड़ेगा। तो इस तरह से इंजेक्शन का जो है ये सीरीज चलता रहा और वो पूरा एक महीने का देना पड़ता था। और ये सारे वीडियोस भी मैं उन लोग को भेजती थी और वो लोग मुझे बोला कि एक बार मुझे मैंने पूछा कि मेरा पैसे आपने ही दिए जो मेडिसिन का, तो वो लोग बोला कि हमें पक्का बिल दो मेडिसिन का। हम बोले पक्का बिल कैसे देंगे आपको, मैं सब भेज रही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने दो डॉग का बिल मेडिसिन ख़रीदा था एक साथ, तो पक्का बिल देना इसके लिए अलग से मेरे लिए अभी मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि दोबारा तो बड़ा बाज़ार में नहीं जा सकती इसके लिए फिर से दवाई ख़रीदने के लिए। तो ये चीज़ लेके पहले शुरुआत हुई उन लोगों के साथ। फिर दोबारा क्या हुआ, ये देखिए ये लालू, उसके बाद दो तीन हफ्ते बाद उसके पैर काफ़ी अच्छा होने लगा धीरे धीरे, लेकिन उसका सेकेंड इशू फिर से शुरू हुआ कि उसका पेनिस से फिर से ब्लीडिंग होने लगा था। मतलब उसका जो कैंसर है जो कि ठीक हो गया था ये सारे के बीच में, मतलब दो महीने के बीच में, वो फिर से रीऑकर किया। तो वो चीज़ मैंने, मेरा जो वेट है प्राइवेटली मैंने उनसे शेयर किया, उनको मैंने अलग से मैंने फीस दिए इसके लिए, और वो उन्होंने मुझे कुछ टैक्सीम दवाई शुरू करने के लिए बोला, पॉज टैबलेट देने के लिए बोला, सुप्राडीन देने के लिए बोला। तो ये सारी मेडिसिंस भी मैंने ख़रीदे उसके लिए, ये देखिए सुप्राडीन मल्टीविटामिन पॉज ये सब मेडिसिंस भी मैंने ख़रीदे उसके लिए। और डॉक्टर ने ये बोला कि इसका जो एक महीने का जो पैर का जो मेडिसिन इंजेक्शन चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद आप 10 दिन बाद आप ये सारे मेडिसिन आप चालू करोगे, फिर उसके बाद उसको केमो दोगे। हाँ तो आप लोग समझ पा रहे हो, उसका पैर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो ख़त्म होने के बाद, एक महीने का इंजेक्शन जो है वो ख़त्म होने के बाद 10 दिन तक ये वाला जो मेडिसिन है केमो देने से पहले वाला सुप्राडीन टैक्सीम पॉज, उसके जो ब्लीडिंग हो रहा था पॉज, फिर जो क्या है ओरोफार XT, मैंने ओरोफार XT नहीं दिया, मैं डेक्सोरेंज दिया था। तो ये सारे मेडिसिन देके उसके बाद उसको फिर केमो देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन लोगों के साथ शेयर किया, वो लोग ने एक भी बात मुझसे नहीं किया। हाँ वो लोग बोला चुपचाप रह गए, वो लोग वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे थे बिल दो। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, एक बिल का एक रीज़न बनाया वो लोग कि दो डॉगी का इसने ख़रीद लिया तो इसका अलग बिल तो ये नहीं दे पाएगी। तो ये एक रीज़न बना के ये लोग ने पूरा जो ट्रीटमेंट है उसके बाद वाला, मतलब पैर का ट्रीटमेंट हो गया, फिर उसके बाद उसका केमो हो गया, केमो से पहले का कुछ मेडिसिन हो गया, मेरा शेल्टर चार्जेस हो गया, ये सब कुछ देना ये लोगों ने टोटली बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने लालू को मैंने केमो दिया, ये देखिए 10 दिन का वो मेडिसिन चला, उसके बाद मैंने इसको केमो दिया। ये देखिए शुफोल्दा आए हुए है, शुफोल्दा ने इसको केमो दिया। तो उस टाइम ये छत पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहा था। और बीच में और एक चीज़ हुई, इसको अचानक से हीट पे आ गई, क्योंकि इस टाइम हम लोग के यहाँ पे रेनी सीज़न चल रहा है तो ये थोड़ा हीट पे आ गई, ये बहुत चिल्ला मिल्ली करने लगा नीचे छत से, वो नीचे डॉगी को देखता था दूसरे डॉगी को। फिर उसके लिए भी मैंने इसको, मैंने वेट से कंसल्ट करके इसको दवाई पिलाई। शुफलदा ये देखिए नाखून भी उसका कट कर रहे हैं। तो हम लोगों से जितना बन पाता था इसका मैंने सब कुछ किया। अब बात ये आती कि मैंने देखा कि ये लोग अभी फ्रॉड लोग हैं, ये लोग भले ही बहुत पढ़े लिखे हैं, सुना है कि ये लोग का करोड़ों का फ्लैट्स है, यहाँ शाहपुरजी में रहते हैं जहाँ पर, और एक एक साइंटिस्ट है, एक है DPS का टीचर है, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। तो लेकिन ये लोग सच बात यह है कि मेरा 13-14 हज़ार रुपये को ये लोग ने मार दिया। सच बात यह है कि बहुत, मतलब जो बोलते हैं ये लोग करते नहीं हैं। ये सिर्फ दो डॉगी का मेडिसिन मैंने एक साथ ख़रीदा था, इसी की वजह से ये लोग एक रीज़न दिखा के मेरा सारा पैसा ये लोग ने नहीं दिया। और ये लोग गरीब नहीं है, ऐसा हो सकता कि ये गरीब होते तो मैं माफ़ कर देती, लेकिन ये लोग गरीब बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद सोचा केमो देने के बाद एक हफ्ता मैंने इसको मेरे घर पे रखा स्टेबल करने के लिए, उसके बाद मैंने एक डेट फिक्स किया इसको मैं रिलीज़ करने का, क्योंकि इसके बाद इसका क्या होगा मुझे भी नहीं पता, हो सकता है इसका कैंसर फिर से रीऑकर करे। तो वो तो मैं, मेरे हाथ में नहीं है, तो और मैं कितना दिन भी रखूँगी, तो मैंने सोचा इसको रिलीज़ कर देते हैं।
तो ये देखिए, मैं रिलीज़ के डे का मैं एक वीडियो बनाया था ताकि ये लोग बाद में मुझे नहीं बोल सके कि डॉग स्वस्थ नहीं था। तो डॉग बिल्कुल स्वस्थ था, ये खाना वाना ठीक से खाया, इसका पॉटी भी नॉर्मल था, मैंने पॉटी भी दिखा दिया, ये उसका पेनिस की भी ये देखिए कंडीशन, ये भी एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस हालत में मैंने उन लोगों को बोला कि मैं इसको रिलीज़ कर दूँगी, और इतने शेमलेस लोग हैं ये लोग, फिर मुझे फ़ोन पे डिस्टर्ब करके बोलने लगे कि इस टाइम पे छोड़ो, उस टाइम पे छोड़ो, उस दिन छोड़ो, ऐसे छोड़ो, वैसे छोड़ो। हाँ, मतलब खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरी बारी होगी तो मेरी ज़िम्मेदारी वो लोग पूरी तरह से देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैंने उस दिन उसको जैसे रिलीज़ किया, वो किस तरह से भाग रहा था रास्ते में, तो मैंने लालू के लिए ये पूरा सब कुछ किया है। मैं इसलिए किया क्योंकि मैं लालू से प्यार करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लालू स्वस्थ हो जाए। और ये चीज़ वो लोग जानते थे कि ये लड़की जो है ये डॉग के लिए काम करती है, पैसे के लिए काम नहीं करती। लेकिन और एक चीज़ है, वो है मेरा कर्म। शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म मैंने किया है ताकि उसका भी शायद मुझे कभी कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान जानता है कि मैं निस्वार्थ होकर मैंने ये काम किया, कोई स्वार्थ मेरा नहीं था। और ये लोग जो है रहते हुए भी वो जो ये लोग ने वादा किया था वो ये लोग नहीं निभाए। इससे क्या हुआ, जो इंसान पे जो ना विश्वास होता है ना, बातों में एक जो किसी की बातों में जो विश्वास होता है, बोलते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये लोग इस टाइप के तो बिल्कुल नहीं है। और पढ़े लिखे होने से ही लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं। तो ये लोग बहुत डिसऑनेस्ट लोग हैं, भले इसके पास पैसे हैं, भले इसके पास बहुत बड़े बड़े डिग्री है, लेकिन ये लोग इंसान अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को एकदम खुल के बताना चाहती हूँ। और ऐसा मेरे साथ ये नहीं कि ये पहली बार हुआ, ये लोग मुझे शायद समझ रहे कि कैसा हम लोग जीत गए, हम लोग इसको बुद्धू बना दिया, हाँ इसको ये कर दिया। लेकिन सच बात यह है कि भगवान के पास आपको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। आपका जी अभी बुरा जो कर्म किया है ना आप लोगों ने, इसका फल आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। तो भगवान सब देख रहे हैं, आप खुद तो जानते हैं आप लोग ने कितना बड़ा चीट किया है। तो और ये सारी जो चीटिंग वीटिंग के चक्कर है, इसमें मैं डॉगी को बिल्कुल नहीं लाना चाहती। डॉगी को मैंने एक स्वस्थ तरीके से मैंने उसको रिलीज़ किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए यही कर्म करने के लिए शायद भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और लोगों की ये फालतू के जो चिटिंग विटिंग है, इसको मैं उतना ज़्यादा और प्रायोरिटी मैं नहीं देती हूँ। मैं मेरे काम पे फोकस करती हूँ और डॉग्स के हेल्थ पे मैं फोकस करती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। तो ज़्यादा लंबा हो गया ये वाला वीडियो, आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी सिचुएशन समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।